दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को सिविल लाइंस में मिला सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से मिले नोट के बाद अधिकारियों ने नोटिस जारी किया। नियमों के मुताबिक मंत्री पद से हटाए जाने के बाद वो 15 दिन तक बंगला रख सकते थे। कपिल मिश्रा को 6 मई को मंत्री पद से हटाया गया था। दिल्ली के मंगोलपुरी में 27 साल के ललित को अजीबोगरीब बीमारी है। फिंगरप्रिंट नहीं होने की वजह से ललित को आधार कार्ड बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू होने के बाद दफ्तर में उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाई और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह से लोग मस्जिदों में नमाज के लिए पहुंचे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में ईद का चांद दिखने के बाद ईद मनाने का ऐलान किया। दिल्ली में झुग्गियों को गोद लेने के अभियान के तहत तीसरी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन समेत कई हस्तियां मौजूद रही। झुग्गियों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए जाने के लिए स्लम यूथ मैराथन का आयोजन किया गया है। दिल्ली में आज उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। आज का अधिकतम तापमान भी 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। पानी निकालने के लिए बीएमसी की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। समुद्र में आज भी हाई टाइड का अलर्ट है। मुंबई में भी आज धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य के लोगों को ईद की बधाई दी है। सुबह से ही मस्जिदों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ईद के मौके पर लोगों ने खास पकवान भी तैयार किए हैं। मुंबई में किसान नेताओं की सुकाणू समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें फडणवीस सरकार की ओर से कर्ज माफी के ऐलान पर असंतोष जताया गया। किसान नेताओं ने साफ किया है कि पूरा कर्ज माफ किए जाने की मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस सरकार की कर्ज माफी को अधूरा करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि सभी किसानों को कर्ज माफी के दायरे में नहीं लाने तक शिवसेना का किसानों के आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा। मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में दाखिले के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। छात्रों को 27 और 28 जून तक दाखिला लेना जरूरी किया गया है। इन दो दिनों के अंदर ही छात्रों को सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। मुंबई में सेंट्रल और हार्बर रूट पर मेगा ब्लॉक की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हार्बर रूट पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही, जबकि सेंट्रल रूट को भी 6 घंटे बंद रखा गया।